भगवती कमला जीवन दायन भगवती कमला जन जन के करथि कल्याण आओ सब क्यों मिलकर चलावी कमला बचाओ अभियान कमला बचाओ कमला बताओ अभियान को तेसरो वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम छो पहिलो कार्यक्रम हाम्रो सहयोग नगरपालिकाको राखो भएको थियो भने दोस्रो सिरा नगरपालिकाको बस्तीमा भएको थियो र आज हामी तेस्रो वार्षिक महोत्सव गणेश माता नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 पोता कमलाघाट यो क्वारेन्टाइन भवन छ नगरपालिकाले निर्माण गरेको यो क्वारेन्टाइन भवन हो यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण अतिथिलाई स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु आज कमला बचाओ अभियान खास गरेर जल जङ्गल जमिनको संरक्षण उद्देश्य राखी सुरु गरेको अभियानको आफ्नो महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ र प्रचार प्रसारको क्रम हाम्रो जारी छ र काम पनि हामीले अभियानको रूपमा प्रत्येक शनिबार कमलाकै छेउमा आएर कमलाकै आएर कमलाकै बाटोमा आएर वृक्षारोपण सरसफाई र अन्तर्क्रिया गोष्ठी सेमिनार हामी गर्दै आइरहेका छौँ प्रत्येक शनिबार र यो कमला बचाओ अभियानको एउटा महान उद्देश्य खास गरेर पर्यावरण संरक्षणको सभामा नदी अहिले मुरुभूमि नदीमा हिँडेको कथा होइन भूमि बन्द यस्ता विषयहरू व्यापक रहेकोले हामी खास गरेर यी सभाहरूमा यी मुद्दाहरूमा हामी काम गर्छौँ र यो सम्पूर्ण रूपमा अभियानको रूपमा हामी लिइरहन्छौँ र सरकारका तिनै तहका सरकारका सरकार पक्षलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र उहाँहरूको सहयोगको हाम्रो अपेक्षा रहन्छ र उहाँहरूकै सहयोगबाट आज हाम्रो अभियान तेस्रो वर्षमा तेस्रो चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यो तेस्रो वार्षिक महोत्सव छ आज तेस्रो वार्षिक महोत्सव कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कमला बचाओ अभियान कमला तलाधार संरक्षण अभियान कमला बचाओ अभियानको संयोजक आदरणीय विक्रम यादवजीलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु म अघि पनि भनेको थिएँ कार्यक्रमको हाम्रो 3 सेसन रहेको छ पहिलो सेसनमा हामी उद्घाटन सत्र राख्नेछौँ र दोस्रो सेसनमा अन्तर्क्रिया हुन्छ र तेस्रो सेसनमा सम्मान तथा समापन कार्यक्रम रहनेछ र यस कार्यक्रमको यो पहिलो सेसन उद्घाटन सत्र कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पूर्व राजदूत एवं पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग नेसनल प्लानिङ कमिसनको आदरणीय दुर्गेश मान सिंहजूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस्तै हामी बिच विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस नगरपालिकाको निमित्त नगर प्रमुख धेरै उहाँ कार्यभार उहाँलाई नगर प्रमुखको हैसियतमा हुनुहुन्छ उपमेयर नगर प्रमुख मिना कुमारी यादवजीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस्तै हामीलाई सबै अभियानीको यो अभियानलाई सहयोग गर्नुहुने र सबै अभियानीको रूपमा आफूलाई परिचय दिँदै हुनुहुन्छ सरकारको एउटा अङ्ग खास गरेर शहीद नगर नगरपालिकाको मेयर नेपालकै कान्छो मेयर आदरणीय उदय प्रबलिया यादवजीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ
हमारा धनुषा जिला दशीराज जिला का सीडीओ साहब प्रमुख जिला अधिकारी जी हमें पूरे सहयोग वहाँ सहयोग कमला अभियान अज प्रगति करते हुए हमारा सीडीओ साहब प्रदीप राज जी विशिष्ट अतिथि भाषण ग्रहण कर हार्दिक अनुरोध कर धनुषा को सीडीओ साहब प्रमुख जिला अधिकारी श्री बंधु प्रसाद बास्कोला बास्कोला जी विशिष्ट अतिथि भाषण ग्रहण कर हार्दिक अनुरोध कर नेपाल प्रहरी धनुषा जिला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सरलाई म अतिथि विशिष्ट अतिथि भाषण ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै उपरी उपरीक्षक सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथि भाषण ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामी बीच नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन संयोजक हुनुहुन्छ कार्यकारी संयोजक डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईजीलाई डाक्टर मनोहर मानव गांधी विचारक वहाँ विशेष अतिथि भाषण ग्रहण कर हार्दिक अनुरोध कर। त्यस्तै हामी बीच हुनुहुन्छ विशेष अतिथि डाक्टर विजय पण्डित संयोजक नमामि गङ्गे मेरठ उत्तर प्रदेश उहाँलाई विशेष अतिथि भाषण ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै भारतबाट आउनुभएको हाम्रो अतिथि डाक्टर धर्मेन्द्र कुमारजीलाई उहाँ नि पिपल तुलसी अभियानको हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष अतिथि भाषण ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी बीच हुनुहुन्छ अतिथि श्री सलमान शर्मा पर्यावरण विद उहाँलाई अतिथि भाषण ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामी बीच हुनुहुन्छ नदी संरक्षण अभियन्ता भूमिका थापाजीलाई अतिथि भाषण ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामी बीच हुनुहुन्छ त्रिशुली नदी संरक्षण अभियन्ता उत्तम परियोजनालाई अतिथि भाषण ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै टिम म्यान फ्रम इन्डिया इन्डियाबाट पाउनु भएको छ सुजित कुमारजीलाई अतिथि भाषण ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गणेशमान चालक नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी लखनदेव यादवजीलाई विशेष अतिथि भाषण ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामी बीच कमला बचाउ अभियानको सल्लाहकार विपिन ठाकुरजीलाई अतिथि भाषण ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामी बीच हुनुहुन्छ पर्यावरण विज्ञ सुरेश शर्माजीलाई अतिथि भाषण ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो आज कमला बचाउ अभियान तेस्रो वार्षिक उत्सव 2078 र यस कार्यक्रमका सभासद हाम्रो कमला अभियानी संयोजक श्री विक्रम यादवज्यू, त्यसै गरी हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि डाक्टर दुर्गेश मानसिंहज्यू, त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथि हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू, त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथि सैद नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री उदय कुमार बरवलियाज्यू, त्यसै गरी हाम्रो राम उद्गार वेदज्यू कमला नगरपालिका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सिरा नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री अक्षेश्वर यादवज्यू, त्यसै गरी हाम्रो धनुषा जिल्ला सिडिओका बन्धु प्रसाद बास्कोलाज्यू, त्यसै गरी हाम्रो सिरा जिल्ला सिडिओका प्रदीप राज खरेलज्यू, त्यसै गरी हाम्रो एसपी सर बसन्त रजौज्यू, त्यसै गरी हाम्रो मनसासिन विशिष्ट अतिथि डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईज्यू, त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथि डाक्टर मनोहर मान गान्धीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लखन देव यादव जी त्यसैगरी हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत सूर्य नारायण सिंह जी त्यसैगरी हाम्रो नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष जीहरू त्यसैगरी सिरा नगरपालिकाबाट पनि आउनुभएका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका साथीहरू त्यसैगरी हाम्रो यस कार्यक्रममा विशिष्ट अति हाम्रो डाक्टर धर्मेन्द्रज्यू त्यसैगरी हाम्रो मनचासिन सम्पूर्ण अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरू त्यसैगरी हाम्रो यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू त्यसैगरी सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण कमला बचाउ अभियानजीहरू त्यसैगरी यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूमा म गणेश मानचार्मा नगरपालिका कार्यवाहक उपप्रमुख मिना यादवको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका पहिलो सेसन कार्यक्रमका विभिन्न विषयवस्तुहरू छ, जस्तो जल जङ्गल जमिन बचाउ र संरक्षण गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यसै गरी हाम्रो दुई वर्ष सिरा नगरपालिका र सहित नगरपालिकाले गरिसक्नु भएको छ। यो तेस्रो वार्षिकोत्सवमा हाम्रो हामी गणेशमा चारनाथ नगरपालिकाले यसमा केही प्रतिनिधित्व गर्न मौका पाएका छौँ र यहाँहरूले आफ्नो यति व्यस्तताको बावजुद पनि यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुनका लागि नेपाल भारतबाट पनि आउनुभएका साथीहरू छ, यहाँ लिस्टमा नाम छ र धेरै टाढोबाट पनि साथीहरू आउनु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु, एउटा के भन्छ कमला बचाउ अभियान जस्तो धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ, धेरै ठाउँमा गोष्ठीहरू पनि हुन्छ र हाम्रो नगरपालिकाको जस्तो हाम्रो जिल्लाको यहाँ सिबिओ साहबहरू आउनु भएको छ, हामी यहाँ जनप्रतिनिधि साथीहरू छौँ र यत्रो हामी सबैजना आज यस कार्यक्रममा छौँ। हाम्रो एउटा जङ्गल मात्रै कमला बचाउ अभियान भन्ने योभित्र धेरै विषयहरू जोडिएको छ, धेरै गुम्बाहरू जोडिएको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण कमला बचाउ अभियान साथीहरूबाट के आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो नारा लगाएर मात्रै कमला बचाउ अभियान र हामी यसरी कार्यक्रम महोत्सवहरू मनाएर मात्रै सफल हुँदैन र यसमा कमला बचाउ अभियान साथीहरूबाट मात्रै यो कार्यक्रम सफल हुँदैन। यसमा के गर्नुपर्छ, हामी सबैजना जहाँ छौँ त्यहीबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेर हामी सबैजनालाई लागेर यो कमला संरक्षण कसरी हुन्छ, जङ्गल कसरी संरक्षण हुन्छ, यो जमिन छ हाम्रो त्यो कसरी संरक्षण हुन्छ र हाम्रो यो के भन्छ विभिन्न बोट बिरुवाहरू हामी लगाइरहेका छौँ त्यसको संरक्षणहरू भइरहेको छैन। जस्तो हाम्रो कमला बचाउ अभियान साथीहरू र हामी स्थानीय सरकारका तिनै तहका साथीहरू मिलेर कमलामा विभिन्न बोट बिरुवाहरू हामी लगाउँछौँ, त्यसको संरक्षण भएको छैन। तब मात्रै बोट बिरुवा रोपेर मात्रै कमला अभियान सफल हुँदैन, यसको संरक्षण कसरी हुन्छ हामी सबैजना मिलेर यसमा छलफल गरेर जस्तो हामी आफ्नै नगरपालिकाभित्र विभिन्न ठाउँमा बिरुवाहरू लगाएको छौँ त्यसको संरक्षण हुन सकेन, अहिलेसम्म पुरानो आवश्यक नर्सरीहरू छ त्यसको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन। अलिकता मलाई के गर्नुपर्छ, जस्तो नदी नाला कटान भइरहेछ त्यसमा पनि म यहाँ हाम्रो मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ डाइसमा, हाम्रो सिडिओ साहब एसपी सरहरू हुनुहुन्छ, म के गर्न चाहन्छु अलिकता कमला जुन उत्खननहरू भइरहेछ त्यसमा पनि यहाँहरूको अलिकता ध्यान आकर्षण होस्। यो कमला बचाउ अभियान अन्तर्गत मैले अघि नै भनिदिएको धेरै विषयहरू जोडिएको छ, त्यही भएर सबै विषयमा हाम्रो सबै साथीहरूलाई ध्यान आकर्षण हुन्छ भने अलिकता हाम्रो यो अभियान सफल हुन्छ र त्यसमा अलिकता हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूले र यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यो रातारात मनमानी उत्खननहरू भइरहेछ, विभिन्न यसको कारणले विभिन्न घटनाहरू घटिरहेछ, यो फेरि यो जङ्गल राम्रो मनमानी कटान भइरहेछ। अब जस्तो हामीले बिरुवाहरू लगाउँछौँ त्यसको पहिला संरक्षण गरौँ मलाई लागिरहेछ, हाम्रो ठाउँबाट हुन्छ कि अन्य ठाउँमा हामीलाई समन्वय सहकार्य गर्नुपर्छ कि कहाँबाट हुन्छ, हामी सबै साथीहरू एकबद्ध भएर यो अभियान जुन हाम्रो साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ कमला बचाउ अभियान त्यसमा उहाँहरूले साथ दिएर यो कार्यक्रम सफल पार्छ।
संपूर्ण साथीहरुलाई म नगरपालिकाको संपूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरुको तर्फबाट र मान्य व्यक्तिको तर्फबाट पनि त्यहाँलाई हार्दिक हार्दिकको धन्यवाद दिदै यहाँले आज फेरि यो कार्यक्रम दुई सेसन छ पहिलो सेसन दोस्रो सेसन यो कार्यक्रम भव्यताको साथ सम्पन्न होस् र सबै साथीहरुले अलिकता जति सुकै समय व्यस्तताको बावजुद पनि यो कार्यक्रममा अलि समय दिनुहुन्छ भने आशा विश्वासको साथ पुनः यहाँ सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही समाप्त गर्छु हस्त नमस्कार अभिवादन जय बङ्गला जय कमला धन्यवाद नगर उपमुख मीना यादवजी हमारा संपूर्ण अतिथि तथा सहभागी वहाँ बोली वचन स्वागत गर्नुभयो म अघि पनि भनेको थिएँ हाम्रो यो कार्यक्रमको तीन चरणमा हामीले निर्वाचन गरेका छौँ त्योभन्दा पहिले हामी दुईजना हुनुहुन्छ दुधमती सरसफाई अभियन्ता सुदीप मण्डलजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस्तै युवा नेता कृष्ण रावतजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब हामी यो कार्यक्रमको उद्देश्य लगायत यो नदी सम्बन्धी समस्या सवालहरूको बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका कार्यकारी संयोजक डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आजका प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू म सम्बोधनलाई छोटो गरेर अलिकति योहरूलाई चाहिँ हामी टाइम बचत गर्न खोज्दैछौँ र सबैलाई राजस्थानमा मेरो चाहिँ सम्बोधन छ र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू बाहिरबाट आउनुभएको छ खास गरेर फ्रम इन्डिया दोज फ्रम इन्डिया एन्ड दोज आर दी स्पेशल गेस्ट and we welcome them to this beautiful nation and the beach of riverbank of Kamala River. The sect is very sect is Kamala River. यो भनेर म अलिकति आजको यो विषयवस्तु हामी किन अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने विषयमा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु र के इस्यु छन् के कस्ता समस्या छन् हाम्रा र हामीले यो यो विषयमा के गर्न सक्छौँ के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र हामीले अबका दिनमा यो कसरी यो अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा म नेपालीमै बोल्ने प्रयास गर्नेछु र यसलाई चाहिँ यहाँहरूको पनि धेरै समय लिन्न किनभने हामी यो 9 बजे सुरु गर्ने योजना थियो त्यो त्यसलाई चाहिँ ढिला भएको छ यसलाई दुईपटक बोल्नुपर्ने थियो मैले दुईपटकमा मैले अहिले चाहिँ केही पहिले कुराहरू यही क्षेत्रमा काम गरेको धेरै वर्ष भयो र त्यस कारणले मेरो आफ्नो अनुभवहरू र केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको मेरो प्रयासहरू र हामी अभियानमा म संलग्न भएर सदस्यको रूपमा भएको हुनाले ती कुराहरू देखेको र अलिक प्रयासहरूको विषयमा अलिक कुरा गर्छु र पछि चाहिँ फेरि अन्तिममा त्यो हामी अलिकति यसका चाहिँ समाधानका लागि विभिन्न तहबाट हामीले गरेका प्रयासहरू र गरे अहिले अब के गर्न सक्छौँ मिलेर तपाईँ हामी सबै त्यो आज जुन हिसाबले यहाँ उपस्थित भएका छौँ त्यसको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम त यो त्यसको यो वार्षिक उत्सव मनाउन सफल भएको यो चाहिँ कमला बचाउ अभियान छ यो अभियानलाई म विशेष त धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै चाहिँ यसलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र हाम्रो यसका अभियन्ता यसको नेतृत्व यस पछाडि तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ र योभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो विक्रम यादवज्यू र यहाँ विनोद महराजी लगायतको सबैलाई चाहिँ म नमन गर्न चाहन्छु नमस्कार गर्न ढोक गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो यो अत्यन्त सराहनीय छ हामीले खास गरी यो अभियान चाहिँ यहाँ चलाइदिनु भएकोले हामी चाहिँ जुनसुकै बगत
Thank you.
person and ambassador for India, Mr. Dr. Durges Malchandi. He is the chief guest of this ceremony. Khas garera, especially guest from Indian side, Mayor, Deputy Mayor, my colleagues, respected Chief District Officer from Dhanusha and his entire team, ladies and gentlemen. आज को यस कार्यक्रममा म सहभागी हुन पाउँदा खुसी छु। यो कार्यक्रममा डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईज्यू बाट जो पानी विज्ञ नेपालको एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँको जान्ने बुझ्ने मौका पाएँ। यस निम्ति म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु। आज कमला बचाओ अभियानको तेस्रो वार्षिक उत्सव। विक्रम यादवजी र उहाँको इन्टायर टिमलाई विशेष धन्यवाद छ, बधाई छ। यस मानेमा कि एक त कमला नदीको बचाउको लागि उहाँले अभियान चलाइरहनु भएको छ, र यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्र र निकायका व्यक्तिहरूलाई सँगसँगै निम्त्याउनु भएको छ। यो ठुलो एचिभमेन्ट हो भन्ने मेरो बधाई छ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि म जनकपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा रहँदा मेरै कार्यकालमा दर्ता गरिएको यो संस्था आज 4th वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको सुन्दा खुसी लाग्यो। नेपालमा खास गरेर गैर सरकारी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको योगदान वा भूमिकालाई हेर्ने हो भने यो रुरल सेन्ट्रिक हुनुपर्छ, लोकल पार्टिसिपेसन बढाउनुपर्छ, लोकल सोर्स जुटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई लाग्ने एउटा आरोप के छ भने यो रुरलभन्दा अर्बन सेन्ट्रिक छ, लोकल पार्टिसिपेसन र रिसोर्स मोबिलाइजेसनभन्दा रुरल ड्राइभर छ, आम मानिसलाई इन्क्लुजनको आधारमा समावेश गर्ने भन्दा फ्यामिली वा पकेट अर्गनाइजेसनको रूपमा रहेको छ भन्ने एउटा आरोप छ। त्यसलाई कमला बचाओ अभियानले चिरफार गरेको छ। अलिकति अब यो कमला नदीको उद्गम स्थान यही जिल्लाभन्दा अलिकति माथि सिन्धुली जिल्ला, भेरी नियर एन्ड क्लोज टु दिस प्लेस द्याट इज लोकेटेड एट सिन्धुली डिस्ट्रिक्ट, द ओरिजिन प्लेस। यो हामी यति राम्रो ठाउँमा आएका छौँ र कमला नदी इन्डियासम्म पुगेर त्यहाँ गङ्गा नदीमा अन्तत मिश्रण हुन्छ। यो नदीको दुईवटा बाटो छ। कमला नदीलाई धनको नदी मानिन्छ, यो मैले भनेको होइन, धनको नदी। बागमती नदीलाई सरस्वती अर्थात् विद्याको नदी। यो बुझाइ हाम्रा पौराणिक ग्रन्थदेखि हालसम्म मान्य कथनमा आधारित छ। नेपालको रिभर बेसिनहरूलाई हेर्दाखेरि खास गरेर पूर्वमा कर्णाली, पूर्वमा गण्डकी, त्यसपछि कर्णाली अनि गण्डकीपछि कर्णाली र अन्तिममा महाकाली, मुख्य 4 वटा जलाधार क्षेत्रलाई मेन रिभर बेसिनको रूपमा मानिएको छ। सब रिभर बेसिनहरू थुप्रै छन्, अपवादको रूपमा यिनीहरूलाई लिन सकिन्छ। बागमतीलाई, कमलालाई, त्यो छुट्टै रिभर बेसिन हो। अपवादको रूपमा सानो तहको कमला नदीको बहाव सधैँ रहन्छ, यो सुक्खा नदी हुँदै होइन, खहरे नदी होइन, पवित्र नदी हो। यो लाइभलीहुडसँग जोडिएको छ। 1000 हेक्टर जमिन कमला पुलदेखि लिएर इन्डियाको पुलसम्म, जयनगरको पुलसम्म विस्तारित छ। नेपाल सरकारले यसलाई नदी उकास जग्गा वा नदी मिश्रित जग्गा भनेर कम्युनिटीको आधारमा उहाँहरूलाई कृषिजन्य कार्य गर्नको लागि केही गृह कार्य गरिरहेको विषय मैले यहाँ उजागर गर्न चाहे। अहिले हामी वन जङ्गल जमिन पानीको कुरा गरिरहेका छौँ वा एवेयर दिस म्याटर। हामी सबै
हामी सबैले यो कुरा थाहा पाएका छौँ, थाहा चाहिँ पायौँ। अब गर्ने कसले हो, यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्न सबैले जाने छ। अब यो संघर्ष मञ्च पराशीन मुख्य अतिथिजी, विशिष्ट अतिथिजी और समस्त जनप्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों दोस्तों, मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके का आयोजन एक बहुत ही समसामयिक और एक सामाजिक और जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है, जो कि होते रहने चाहिए। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके वार्षिक उत्सव पर। निश्चित रूप से देखा जाए तो भारत और नेपाल की साझी विरासत और समस्त जलधाराएं, नेपाल की समस्त जलधाराएं भारत और नेपाल की साझा हैं। इनको संरक्षण करना, इनका संरक्षण करना भी दोनों देशों की ही जिम्मेदारी है। जैसा कि आपको पहले बताया होगा कि मैं नमामि गंगे परियोजना भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा हुआ हूँ, संयोजक हूँ। तो और मैं अक्सर कहता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है हिंदी में, हिंदी ओके। मैं अपने नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों से और जो जुड़े हुए इसमें मंत्रालय के पदाधिकारी गण हैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि नमामि गंगे परियोजना की सफलता तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि इसमें नेपाल की सभी नदियों को शामिल ना किया जाए। आपको सुनकर बड़ा विचित्र लगेगा या आपको पता भी होगा सबको कि नेपाल की जलधाराएं जितनी भी नदियां हैं उत्तराखंड राज्य से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से निकलती हुई सभी गंगा में मिलती हैं, गंगा की सहायक नदियां बन जाती हैं। और गंगा में जो पानी है उस पानी में नेपाल की नदियों का बहुत बड़ी मात्रा है। और नेपाल का पानी न केवल भारत की भूमि को सींचता है वरन बांग्लादेश तक जाता है, फरक्का बैराज से एक जलधारा चली जाती है गंगा सागर की तरफ, दूसरी चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में उसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं जलधारा को। तो करीब करीब 60 करोड़ लोगों को सींचने वाली आपकी सभी नदियां, सभी जलधाराएं एक ऐसा दृश्य बनाती है कि जीवन के लिए पंच तत्वों को समाहित करते हुए, पंच तत्वों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और इसका जो संरक्षण करना है ये निश्चित रूप से आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर उपस्थित मैं सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी, क्योंकि नेपाल की नमामि गंगे परियोजना से अगर नेपाल की नदियों को जोड़ना है वो हो जाता है G2G, नेपाल गवर्नमेंट टू इंडिया गवर्नमेंट। एक निरंतर पत्राचार करें कि नमामि गंगे में नेपाल की सभी नदियों को जोड़ा जाए। और निश्चित रूप से कमला नदी की अगर हम बात करें तो उसका संदर्भ मिलता है अपने वेद पुराणों में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुरातन और कितना महत्वपूर्ण ये जलधारा है, नदी है। नदी को माता स्वरूप कहा गया है। और निश्चित रूप से एक आज वो समय आ गया है कि हमें रैली या चित्रकारी या नारेबाजी से अलग हटके जमीनी स्तर पर काम करने होंगे, तभी हम अपने सच्चे अर्थों में
हम अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने हमें हमारे बुजुर्गों ने क्या दिया था और हमने क्या देखा और अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दिया। तो अगर हमें अपने पर्यावरण को संतुलित रखना है, अपने नदियों को संरक्षित करना है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी, वरना सबका काम करने का तरीका अलग होता है। विक्रम यादव जी से मैं बहुत समय से संपर्क में हूँ, बहुत प्रभावित हूँ इनके काम से। जैसा मैंने देखा है हिंदुस्तान में, मैंने देखा है कि लोग, बहुत लोग हैं जो नदियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन नदियों की मलिनता दूर करने के नाम पर बहुत से लोग अपनी अपनी मलिनता दूर कर रहे हैं। तो ये जो एक काम करने का तरीका है, मैं इससे कभी सहमत नहीं रहा। मैं कभी किसी सरकारी, जैसे 20 साल तक हमने स्वतंत्र रूप में काम किया है, लेकिन मैंने देखा कि अगर हमें अपनी बातें मनवानी हैं तो सरकारी सिस्टम में जाना पड़ेगा। तभी मैं जल शक्ति मंत्रालय का ऑफर आया, वो मैंने स्वीकार किया। ठीक है, इस पर सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और अपने तरीके से बातों को मनवाने का प्रयास करेंगे। पिछले काफी समय से हम लोग प्रयासरत हैं कि हम नेपाल की सभी नदियों को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करा सकें, और निश्चित रूप से हम एक दिन सफल होंगे और अपनी नदियों को संरक्षित कर पाएंगे। आपने इतने धैर्यपूर्ण रहकर मेरी बातें सुनी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ आपको, और आपके भीतर ईश्वर के अंश को मौजूद मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
ठीक है कहीं सुन ना खाली वो होते हैं बहुत बढ़िया अपने सब मेहनत के लिए खासे कमला बचाओ ध्यान की गीत डाबा वाला स्मृति मिश्र अमर पांडे आबिर राय जी सबके बहुत बहुत धन्यवाद कमला बचाओ अभियान के तरफ से अपने सबके मेहनत आ गीत के भाव है बहुत निक लागल हमरा लगे हमर संपूर्ण अतिथि सब के गीत प्रति आकर्षण बढ़ल बा अब हम सब कहीं हमरा सबके अतिथि सब कुछ भारत के अतिथि सब सो हुनकर सब कार्यक्रम का अध्यक्ष देव प्रमुख अतिथि देव विशिष्ट अतिथि देव अतिथि देवर एवं उपस्थित विभिन्न अभियान में संलग्न अभियानी जीवर राजनीतिक दल संबद्ध राजनीति कर्मी संचारकर्मी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित अदाज विशेषत भारत बाट हम पाहुना के रूप में उपस्थित भारतीय पाहुना जीवर अन्य संपूर्ण महानुभाव सर्वप्रथम कमला बचाओ अभियान को नाम बाट एउटा महत्वपूर्ण धार्मिक नदीलाई संरक्षण गर्ने हेतुले स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिक स्तरबाट जुन खालको यो अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो सम्पूर्ण अभियानीहरूलाई म आज तेस्रो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यहाँ हामीले एउटा कुनै प्रत्यक्ष लाभको आशा नगरिकन स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकहरूलाई एउटा जोड्ने काम गर्नुभएको छ कमला नदीको र समग्रमा नदीको र जलको महत्त्व के छ यसको आवश्यकता मानव जीवनको लागि कति छ भन्ने विषयमा यहाँले एउटा नि शुल्क रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँले पैरवी गर्नुभएको छ त्यसको कुनै मूल्य हुन सक्दैन यो अमूल्य काम यहाँले गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तेस्रो वर्ष बितेको छ तपाईँहरूले धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ तपाईँहरूले कुनै ठाउँबाट स्रोत पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म कुनै सरकारले खासै सहयोग गरेको छैन नगरपालिकाहरूले यस्तै कार्यक्रमको लागि केही सहयोग गर्नुभएको छ भने केही सरकारी कार्यालयहरूले वृक्षारोपण लगायतका काममा सामान्य साझेदारी गर्नुभएको छ ठुलो स्रोत ल्याएर केही गरिहाल्ने मनस्थित मनसाय यहाँको होइन यहाँको जुन मनसाय छ नागरिकहरूलाई जलको नदीको महत्त्वको विषयमा एउटा सेन्सिटाइज गर्ने उहाँहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने र नदी हाम्रो सम्पत्ति रहेछ यो हामीको हाम्रो लागिको साथसाथै हाम्रा छोरा नागरिक बनाती पुस्ता दर पुस्ताको लागि आवश्यक छ भन्ने सन्देश जुन चाहिँ एउटा प्रवाह गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ त्यस्तै यहाँहरूले स्थानीय तहहरूलाई हामीलाई सुरक्षा निकायलाई प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारलाई सम्म यहाँहरूले जुन एउटा घटघट्याइरहनु भएको छ यसलाई कमला नदीको महत्त्वको विषयमा कमला नदीको उपयोगको विषयमा यसको संरक्षणको विषयमा त्यो पनि अत्यन्तै सराहनीय कुरा छ र हामीलाई यहाँले बेला बेलामा टेलिफोन मार्फत यस्ता कार्यक्रम मार्फत अन्य विभिन्न स्रोत मार्फत पनि घटघट्याइरहनु भएको छ र हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट यथाशक्य मेहनत प्रयास गरेकै छौँ जुन उल्लेख्य अझै नहुन सक्छ अघि धेरै कुराहरू यस विषयमा भएका नीतिगत कानुनी विगतका प्रयासहरू मेरा अग्रज प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रजुराज मणेश्वरले भनिसक्नु भएको छ मैले त भन्न नै बाँकी केही छैन धेरै कुरा उहाँले भनिसक्नु पनि भएको छ हाम्रो गणेशान चारणाज्यूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ अहिले सङ्घीयतामा तीन तहको सरकार छ सबै कामहरू संविधानले बाँडफाँड गरिदिएको छ सबै सरकारहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् खास गरी अझ स्थानीय पर्यावरण संरक्षणमा त स्थानीय सरकारले बढी जिम्मेवार हुने देखिन्छ त्यसको लागि हाम्रो खास गरी यो कमला क्षेत्रमा हाम्रो साइडका धनुषा साइडका पाँचवटा स्थानीय तह छन् सिराहतिरका पनि चार पाँचवटा स्थानीय तहहरू छन् यिनीहरू बिचको सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो काम पनि यो कमला बचाओ अभियानले गरेको छ आजै पनि यहाँ थुप्रै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेर एउटा सहभागिता र उहाँहरूलाई जिम्मेवार बोध गराउने काम पनि भएको छ र यहाँलाई म एउटा जानकारी पनि गरौँ अहिले यो कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाले एउटा ठुलो परियोजना बनाएको छ कमला नदीलाई एउटा भारत सरकारको सहयोगमा त्यहाँ पहिला हाम्रो अरवान टाइपको एउटा कच्चा खालको बाँध चाहिँ पहिला तटबन्ध बनेको छ त्यसले त्यसलाई अझै संरक्षण गर्न त्यो आयोजना क्रियाशील छ त्यसमा अहिले पनि कच्ची सडक चलेको र प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो र हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अभियानको तर्फबाट उहाँ पनि हतारमा हुनुहुन्छ हाम्रो सूर्य साहबलाई टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुन
अभियान को संयोजक विक्रम जी अनि आफ्नो मन्तव्य सानो मन्तव्य राख्दिनु हुनको लागि तयारीमा बस्नु हुन कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादवजी अनुरोध गर्छु यो टोकन टोकनमा फुल प्रदान भएपछि नरेश कहाँ ले ला दूर प्रशांत रोजन एसपी साहब हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दुवैजना पनि उहाँ सँगै हामीले साथसँग जानुहुनेछ उहाँलाई पनि टोकन फुल प्रदान गरिदिनुहुन हाम्रो प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिहरूलाई म अनुरोध गर्दछु र यो विषय के भन्दाखेरि
वर्तमान का हामीले हाम्रो मात्र होइन हाम्रो भविष्य का सन्ततिहरुको भाग्यको निमित्त पनि उहाँहरुको अधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निमित्त पनि आज हामी जागरुक भएर यस अभियानमा हामी सहभागीका रूपमा हामी आएका छौँ। यसको निमित्त यो यो हामीलाई यो मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो। दिपेन यादवले उहाँलाई साथैबाट सहयोगहरूलाई पनि म आभार व्यक्त चाहन्छु, धन्यवाद जान्न चाहन्छु। वरिष्ठ अतिथि मेयर साहब सम्बोधन करथिन,
तो हम सब समापन कार्यक्रम में जाए हम सब एकदम आधा घंटा भित्र हम सब समापन कार्यक्रम सम्पन्न करो तो वैसे पहले हम अपन अनुभव रख देव के लिए हम विष्णुदेव यादव जी के अनुरोध करे समाजसेवी विष्णुदेव यादव जी हम अनुरोध करो हमका से छोट में एकदम दू तीन मिनट भी मना अभियान कार्यक्रम में सहभागी हुए साथी सब में सबसे पहले हम धन्यवाद ज्ञापन से कमला बचाओ अभियान कार्यक्रम विभिन्न साथी संस्था से जानकारी लोग और नगर पालिका के नगर प्रमुख नगर उप प्रमुख नगर पालिका के नगर प्रमुख प्रमुख वार्ड अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य उनका सबके हम धन्यवाद सेहो ज्ञापन कर रहल छी आउ एहि कमला बचाओ अभियान कार्यक्रम आयल हमर अतिथि गण सब अपन अपन मंतव्य राखि कऽ ओ सब मिला भऽ गेल छी जे एहि कमला बचाओ के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनका सबके कानून के भाग हमरा सबके स्थानीय लोग के कमला बचाओ अभियान के रिपोर्ट सबके पास करेंगे चार लाख नगर पालिका चार खोला कमला खोला के प्लेट में कुल आठ बार जैसे घोड़न के तरीका से वृक्षारोपण करेंगे कई गठित वैज्ञानिक संस्था पानी के जल से वृक्षारोपण तब हम सब वृक्षारोपण करेंगे वृक्षारोपण है और सपा के सूद अभियान चल रहे हैं अब सब पार्टी दस कतो न कतो सब कोई ना कोई हिसाब से इन्फॉर्म है अब
बड़ा सबके समस्या का देखिए हम सब गेस्ट सबके बुझाने चलिए प्रमुख अतिथि सबके सब सेशन में प्रमुख अतिथि सब आ उनका सबके माने अत्यंत लेट भ गेले जे माने हमरा सबके अभ्यास थे ते द्वारा कोनो बात नहीं हम सब जना अय अभियान के का प्रमुख पिलर थी हम सब अपना में सक्षम थी हम सब काम करना तैयारी थी आ अपने के सलाह सुझाव हमरा सबके सदा सर्वदा मनन आपन साथ करब से हम हमारे आग्रह करे छी आ तेने नगर पालिका के देखता अपने के लिए नीतिगत बात लाभ में वास्तव में नीतिगत बात अई दुनु तरफ के नगर पालिका सब के नीतिगत बात नीतिगत व्यवस्था लाभ पके से हम अनुरोध करे छी आ आप हम सब हमरा सब के भारत से आए सुजीत कुमार जी अपने एकदम दुम में भीतर में रखिन है ना के बाद हमरा सब के वाड़ा दस के तरफ से रखिन अपन वाड़ा में सो तैयारी करके राखब अपन दुम में अपने बात में हुए सुजीत कुमार जी धन्यवाद। हम एक ही मिनट में अपना बात रख देते हैं। सब आपकी एक बात, जितने भी साथी यहाँ उपस्थित है उन सभी साथियों को भारत बिहार के धर्म से पौधे वाले गुरु जी श्री मेरे तरफ से चंदन वंदन और अभिनंदन। आप सब जितने भी साथी उनके लिए एक आग्रह है, जहाँ पर आप बैठे वहाँ पर एक मिनट के लिए खड़ा हो जाए, बस एक मिनट के लिए जहाँ पर बैठे वहाँ के सभी साथी से आग्रह और बस एक संकल्प लेना है। हम लोग बहुत कुछ सुने हैं, अपना संकल्प ये लेना है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा लगाइए। आप अपने खुद से परिवर्तन करने का कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। बस आप लोग से यही आग्रह है कि अपने शादी के सालगिरह हो या जन्मदिन हो, एक फलदार पौधा लगाइए। कम से कम पर्यावरण का संरक्षण वहां से तो स्टार्ट होगा। खुद से परिवर्तन कीजिए, अगर पर्यावरण बचेगा तो जल बचेगा, सब कुछ बचेगा। पर्यावरण है तो हम है, पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं है। तो इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह कि बस आपसे परिवर्तन शुरू होना चाहिए, खुद से परिवर्तन शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। आप सभी साथियों से यही संकल्प है कि अपना जन्मदिन के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर एक फलदार पौधा जरूर लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय जी का सबसे बहुत मैंने ज्यादा धन्यवाद कि इन्होंने हमें आमंत्रण दिया और बुलाया। यो काम था सब व्यक्ति ने दिए पता सही तो सारा ले इसमें एक रुपए हम तो लाख है ना है ना हम लोग तो है ना ठीक था मैंने मैं ठीक था सुनो ना मेरे पूरे प्रधान सब गलत तो कम ना बोलो अभियान माती बोले प्रश्न हमें खराब भय प्रति हमें इसको मन जवाब दिन सबनु पड़ता जवाब हम दिन तैयार छ रहो। अब हम कार्यक्रम को अंत में छौ र यो उपस्थिति भएको यो कमला बचाओ अभियान को योद्धाहरु हो र यही नागरिक सभा भोलि को विभिन्न ठाउँमा पुग्छन् र तपाईको समस्या तपाईको आवाजलाई यो समाजले यो युवाहरुले यो दिग्गजहरुले उठाउँछन् होला मलाई एकदम विश्वास छ र त्यो त्यसमा सबैजनाले सहयोग गर्नु पर्छ। कमला बचाओ अभियान आफैले कुनै पनि कार्यक्रम गरेको छैन, सबै स्थानीय सरकारले गरेको छ, प्रदेश सरकारले गरेको छ, केन्द्र सरकारले गरेको छ, व्यक्तिको सहयोग पनि छ। अस्ति हामी ठुलो सभा सबले व्यक्तिको सहयोगबाट त्यो फोपहरू दिवाहरू उपलब्ध गराउनु हो। आज आज प्याकेजमा देखेको त सातजना उहाँले किन्ने कहाँबाट ल्याउनु भयो वा सातजना आफूले गर्नुहुन्छ यहाँ खाना पाउनुहुन्छ नगरपालिकाले हाम्रो हाम्रो यो कमला बचाओ अभियानको खातामा जाँदैन पैसा। तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्, हामी चाहिँ निशुल्क काम गर्छौँ र राति गरिरहेको छौँ। कुनै हिसाबले हामी त्यसको जिरो टोलरेन्स भ्रष्टाचारमा जिरो टोलरेन्स हाम्रो छ। त्यस कारण म सबै साथीहरूलाई सबै अतिथिगणहरूलाई म यो विषयमा अवगत गराउन चाहन्छु र यो कुरा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रो आठ नम्बरको वडाध्यक्षलाई पनि आफ्नो सानो मन्तव्य राख्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गणेश कुमार सिंह रितेश जी धन्यवाद। सम्बोधन सर्ट गर्ने यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म गणेश महाचारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर आठको वडाध्यक्षको तर्फबाट र वडा कार्यालयको तर्फबाट म गणेश कुमार सिंहको तर्फबाट नमस्कार अभिवादन। हाम्रो अध्यक्षज्यू दिसाउनुभयो एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो उहाँले। यहाँ के छ कमला बचाओ बचाउनु पर्छ। नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ स्रोत आमदानीको लागि र जुन सिल्टेक पनि धेरै ठाउँ छ, जुन चुडेबाट बगेर आउँछ ढुङ्गा गिटी बालुवा त्यो
त्यसले गर्दा पनि हानि पुर्याइरहेछ हाम्रो यो ठाउँमा, किन हामी सानैदेखि यो कमलाको छेउमा हुर्केको, हामी धेरै यो भन्दा पहिले धेरै गहिरो थियो, फेरि माथि आइसकेको छ, तर अलिकति सिप्लिमेन्टिक छैन। जस्तो यो के भन्दा सिप्लिमेन्टिङ नभएर हामी फेरि गाह्रोमा छौँ। यहाँ राति राति खनिदिन्छ, दिउँसो पनि खन्दाखेरि नगरपालिकासँग समन्वय गर्दैन ठेकदारहरू र केही मानिसहरू। यसरी जस्तो राति अहिले हामी पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छौँ नगरपालिकाबाट, तर राति खन्छ। यसमा म सम्पूर्ण यहाँ देशमा उपस्थितहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, प्रशासनले यसमा अलिकति सहयोग गरिरहनु भएको छैन। यो प्रशासन सहयोग गर्यो भने जस्तो कुनै पब्लिकले जानकारी गराउँछ, जानकारी गरायो भने कुनै ठाउँबाट हुन्छ त जानकारी के गराउँछ भने होइन हाम्रो कहीँ केही छैन, मेसिन छैन, केही छैन भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ, तर भोलि जाँदाखेरि त्यहाँ खाल्टो हुन्छ। यो कसरी सम्भव भयो त? पब्लिक रातिमा गयो भने झैठाडा हुन्छ। त्यस कारणले सम्पूर्णलाई आग्रह के गर्छु भने यो एउटा जटिल समस्या भइसक्यो, किन त्यहाँ धेरै मान्छे हुन्छ कमलामा उत्खनन बेलामा पुरै तयारी साथ हुन्छ, त्यस कारणले दुई चारजना गएर त्यो रोक्न पनि सम्भव छैन। त्यस कारणले यसमा प्रशासन, हाम्रो अध्यक्षले अगाडि भन्नुभयो, प्रशासन यदि सक्रियता देखाउनु भयो भने यो समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ। कमला बचाओ अभियानका सम्पूर्ण टिमलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रशासनसँग तपाईँहरू यो स्थानीय स्तरमा होइन जिल्ला स्तरमा कोअर्डिनेसन गरिदिनु भयो भने यो बचाउनलाई एकदम सहज हुनेछ र आवश्यक पनि छ। बाटोघाटोलाई उत्खनन पनि गर्नुपर्छ, तर सिस्टमेटिक, जहाँ नगरपालिकाले एरिया तोक्छ, कहाँ सिल्टेड छ, आवश्यक बढी भएको, किन आइई गरेको छ, आइईमा सबै छ, कहाँ हटाउनु पर्ने भनेर पूर्ण रूपमा छ, तर आइईको महत्त्व नगरिकन डाइरेक्ट रूपमा उत्खनन गर्नाले मात्रै हानि भइरहेको छ। र समय अभावले गर्दाखेरि धेरै कुरा म अहिले सेयर गर्न सक्दिनँ, किन हाम्रो धेरै ल अन्तमा म गणेशको तर्फबाट नमस्कार, फेरि धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो वडाध्यक्ष। वास्तवमा नीतिगत त्रुटि छ, नीतिगत त्रुटिको कारणले उत्खनन गर्नुपर्ने एक फिट उत्खनन गरिन्छ पाँच फिट, त्यस कारणले त्यहाँ समस्या भएको र त्यो पाँच फिट उत्खनन गर्नुको कारण धेरै समस्याहरू कमलामा भइरहेको अवस्था छ। हामी कमला बचाउ अभियानमा लागिरहेछौँ र त्यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा छ। हामी फेरि पनि हाम्रो दुईजना एकदम सानो दुई मिनट बताउन सघाउनुपर्ने हुन्छ। एकजना हाम्रो भारतबाट पाल्नु भएको छ, हाम्रो अतिथि ललित नारायण झाजी लाई बोलाउनुभन्दा पहिले म आफ्नो थोरै दुई मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्न म सुभित यादवजीलाई अनुरोध गर्दछु, सुभित यादवजी। त्यसपछि हाम्रो ललित नारायण झाजी तयारी भएर बस्नु होला, त्यसपछि हाम्रो मेयर साहबको सम्बोधन हुनेछ र मेयर साहबको सम्बोधन पछि हामी समाज कार्यक्रम सकेर खाना पसिनामा लिएर आउँछ। कमला बचाओ अभियान के चौथे वार्षिक कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और मंच पर आसीन उपस्थित भेल प्रमुख अतिथि दीदीगण और कार्यक्रम में उपस्थित भेल सम्पूर्ण हमर हार्दिक परिवारक और शुभकामना। और विशेष बात तो सबके सब चलिए रहा है, लेकिन कुछ बात हम रखने छी जे वास्तविक में अपने समय में ये कार्यक्रम लगा कमला बचाओ अभियान के संस्थापक कार्यक्रम हाकिम कर्मचारी सब तो वास्तव में एहिठाम के स्थानीय रिपोर्ट लिए चाहिए कमला बचाओ हो है कि नहीं हो है। हम सब तो देख रहा थी नजर से कमला बचाओ कि कमला धसाओ धसाओ भ रहा थे ते द्वारे उस स्थिति में तो नहीं है ऐसे दुखित हम सब थी। वास्तव में कमला बचाओ अभियान इस संस्था जो है से बहुत नीक है, हम बहुत खुशी थी, लेकिन कमला बचे नहीं है तैसे दुखी पड़े कमला बटे ने कमला के लहर थी दही कमला के जल दे ये मानव से लगा पशु पक्षी जानवर सब के संरक्षण कर रहा चाहिए। धार्मिक स्थिति से देखो तो अपनी गाय के दिन में देखो यहाँ पूरी मामले देखी नेपाल से भारत तक कमला में रहते अब तक नियम थी थे और कमला के पेट में दोनों पर कमला बचाव के लागी तो छड़ी पड़ गई बांध पड़ गई। अब बांध के भीतर में की खेला भरा हुआ है से ये कमला बचाओ के अभियान था
आप देखे छथिन कि नहीं देखे छथिन से दौर के सब बात यदि देखे छथिन तो वास्तविकता एकर संरक्षण देल गाओ आ नहीं देखे छथिन तो हम कह दिए कमला काते काते जते गाँव नगर पालिका है सब नगर पालिका में एकर समिति एकटा गठन हुआ चाहिए देख रेख करना चाहिए इस सरकार रिपोर्ट देना चाहिए और ऊपर जो है सरकार एक निगरानी करना चाहिए और धरती के पेट में जो जमीन है वास्तव में एकर संरक्षण करना चाहे कमला बचाओ अभियान करना चाहे तो भीतर में जो जमीन है धरती के भीतर में धार के पेट में उस सारा जमीन में उत्खनन नहीं हुआ चाहिए न खेती बाड़ी हुआ चाहिए वही में पूरे वृक्षारोपण करके सरकारी जमीन हुआ चाहिए हमारा हमारा सलाह नहीं है इस सलाह सुझाव अपने सब हार्दिक ढंग से ग्रहण करता अपने सब निश्चित रूप में अरे पर निगरानी करता एक लागू करता कार्य नहीं करता हमारा सबके देखा देवे से आशा विश्वास के साथ अगर कोई दोस्त अपने मत करवाई नहीं रखते अभिनंदन कमला विवाह संजाल सर से आए हमारा सब अतिथि संदीप यादव जी एकदम छोट दो मिनट पृथ्वी में अपना रहे थे समारोह कर जी सबने शेयर कर रहा है जी वास्तविकता किसे ऐसा कहले हम कुछ राखा चाहे चले तो रहा एक तो बाबा एक तो पिता रह लिया वास्तविकता जाए से कहला कि हमरा आगे सिस्टम हमरा आगे नीति नियम आई से पहले जे कोई ओकरा दुख छे ऐसा कोई दुख के कारण कोई सिस्टम के कारण उपस्थित मंचस्थ देवियों और सज्जनों एक एक लोगों का नाम लेना शायद संभव नहीं है लेकिन हमारी सनातन मान्यता है कि हम सब लोगों में एक ही ईश्वर एक ही परमात्मा का वास है और इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि यह प्रकृति कर रही है जैसा कि आप सब लोग देखते हैं सब लोग प्रकृति से जुड़े प्रकृति प्रेमी आप लोग बैठे हैं विराजमान हैं मैं खास करके कमला बचाओ अभियान के संयोजक विक्रम यादव जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस वसुधैव कुटुंबकम की धरती जो आज भी नेपाल वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करने वाली धरती है उस धरती पर प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की है निश्चित तौर पर भारत में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और जब भारत में काम करते हैं तो चाहे जल पुरुष राजेंद्र सिंह हो चाहे जमीन के लिए संघर्ष करने वाले बीबीराज गोपाल जी हो चाहे मेधा पाटेकर जी हो और चाहे हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी और तमाम सारे लोग शामिल हैं जब भी हम लोगों के जेहन में इस प्रकृति और पर्यावरण के सवाल जब किसी भी व्यक्ति के मन में आता है तो वो व्यक्ति किसी एक राष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है बल्कि संपूर्ण दुनिया और संपूर्ण मानवता का रिप्रेजेंटेशन करता है इसलिए आज इस तीसरे वार्षिकोत्सव में आके सचमुच में मेरे लिए प्रसन्नता और प्रेरणा का विषय जहां तक कमला नदी का सवाल है कमला नदी को बचाने का सवाल है तो भारत और नेपाल का जो संबंध है सांस्कृतिक रूप से आप देखेंगे तो नैसर्गिक संबंध है भारत के लोग जिस तरीके से दिखते हैं उसी तरीके और तरीकों से जीवन यापन जीने वाले मैथिली संस्कृति और नेपाल की संस्कृति एक दूसरे से मिलती जुलती श्रवण संस्कृति आप सब लोगों को दिखेगी इसलिए कमला का जब भी अगर सवाल उठेगा तो भारत का सवाल और भारत का सवाल उठेगा तो बिहार का सवाल उठना लाजमी है आपको बताकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि भारत का जो बिहार राज्य है जो आपसे सटा हुआ राज्य है नेपाल से बिहार की राज्य ने एक बहुत नूतन और बहुत अच्छी योजनाओं का शुभारंभ किया है जिसको
सचमुच में अगर यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज किया, जिसको जल जीवन हरियाली का अभियान कहते हैं, यानी अगर जल जीवन हरियाली जो अभियान है वो केवल बिहार और भारत का अभियान नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता और संपूर्ण विश्व का अभियान है। इन विषयों पर आज सचमुच में इस वार्षिकोत्सव में चर्चा होने चाहिए, उस पर चर्चा हो रही है। कुछ स्थानीय मित्रों की असंतुष्टि भी है, उनका सवाल है कि हम ग्रास रूट पर क्यों नहीं जाते हैं। मैं जानता हूं कि विक्रम जाधव जी और तमाम साथी लोग ये सालों साल संघर्ष करते हैं जाके, चाहे कमला का सवाल हो या पौधारोपण का सवाल हो, एक वैश्विक मान्यताओं के सवाल ये लोग संघर्ष करते हैं, वहां रचनात्मक काम करते हैं, तब तो आज इस रूप में आप सब लोग देख रहे हैं कि नेपाल के कई हिस्सों से लोग आए हैं, नेपाल के कई रचनात्मक और संघर्षनात्मक भूमिका में काम करने वाले लोग आए हैं, भारत के कई जिला से लोग आए हैं, बिहार के कई सीतामढ़ी से पौधा बचाओ अभियान के वैसे वैसे लोग आए हैं जिनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सचमुच में जो सवाल उठाया ग्रास रूट के साथी ने, जो असंतोष व्यक्त किया, उनका कहना यह था कि हम सब लोग करें तो करें क्या, यहां से जाके अगर कुछ नहीं करते हैं तो केवल ये कर्मकांड का विषय रह जाएगा, उनका असंतोष इस बात से था। इसलिए हम चाहेंगे कि जब भी हम प्रकृति के लिए कोई काम करते हैं, जैसे इस झोले को हमने विक्रम जी के माध्यम से यहाँ प्राप्त हुआ, तो झोला और इसका संबंध विक्रम जी और विक्रम जी के संस्था तक सीमित है, लेकिन जब भी हम एक पौधा लगाने का काम करते हैं विक्रम जी, तो विक्रम जी से हमारी सहमति या असहमति ही क्यों ना हो, हमारी सहमति या असहमति ही क्यों ना हो, लेकिन उसका ऑक्सीजन जो है वो विक्रम जी को भी मिलता है और संपूर्ण ब्रह्मांड को मिलता है। इसलिए आज का युग धर्म दूसरा कोई युग धर्म नहीं है, आज विकासशील और विकसित देश में प्रतिस्पर्धा है। विकसित देश यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जितने कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उस कार्बन उत्सर्जित के मात्रा को कम करेंगे, विकासशील देश अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरत आज जिस तरीके की कोविड की त्रासदी ने आज सब लोगों को मजबूर कर दिया, जिस तरीके से हम सब लोगों का जन जीवन प्रभावित हुआ, जिस तरीके से पूरी दुनिया रुक गई, निश्चित तौर पर हम सब लोगों को आज तैयार होना होगा और प्रकृति और पर्यावरण के साथ अपने संबंध को अगर नहीं जोड़ेंगे भौतिक रूप से, तो आने वाले दिनों में कोरोना से भी बड़ा कोई खतरा हमारे जीवन पर आकर बैठ जाएगा। और मैं गांधी के उस बात को कोट करना चाहता हूं कि प्रकृति या पृथ्वी सबकी जरूरतों को तो पूरा करने में सक्षम है, यानी कि मनुष्य पशु पक्षी सबकी जरूरतों को तो पूरा करने में सक्षम है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लोभ और लालच को पूरा करने में ये पूरी प्रकृति कम साबित हो सकती है। इसलिए अगर इस प्रकृति को बचाना है तो इस प्रकृति से हमें प्रेम करना होगा, प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़ना होगा, और जो भी व्यक्ति अगर प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़ता है वह व्यक्ति केवल नेपाल भारत इंडोनेशिया और मलेशिया पाकिस्तान का नहीं रहता है बल्कि वो व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्ताओं की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपका जीवन भोजन के बिना 10 दिन 15 दिन 30 दिन तक टिका रह सकता है, जल के बिना 2-4 दिन टिका रह सकता है, लेकिन हवा के बिना कुछ पल ही आप जीवित रह सकते हैं। इसलिए आपके जीवन के लिए जल जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी हवा है, और आज पूरा हवा प्रदूषित हो चुकी है। इसके समग्र होलिस्टिक अप्रोच को अगर आप सब लोग देखेंगे तो हम कमला नदी को भी बचा पाएंगे, और हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमें सबसे खुशी इस बात की मिली कि
भारत के नदियों में जिस तरह हम यमुना नदी को गंदा देख रहे हैं और नदियों को प्रदूषित देख रहे हैं, आज कमला नदी के बारे में जो मुझे जानकारी मिली वो उतनी प्रदूषित नहीं है, यानी कि उसके निर्मलता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और विरलता पर सवाल उठाया जा सकता है। इसलिए हम निवेदन आप सब लोगों से करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकृति और पर्यावरण को पोषित करें तो आइए हम सब लोग मिलके मुट्ठी बांध के एक अगर संकल्प लेते हैं तो ये कमला बचाओ अभियान संकल्प होगा। आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया आप सब लोग खड़ा हो जाए। हाथों को आगे सामने कर ले, मुट्ठी खींच ले एकदम जोरदार। इस नेपाल से यह संकल्प पूरी दुनिया में जाना चाहिए, केवल नेपाल नेपाल में नहीं जाना चाहिए। हम बोलेंगे आप सब लोग उसको दोहराएंगे, हम इस कमला बचाओ अभियान के माध्यम से इस पूरी प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण अपने जीवन में करेंगे ही करेंगे, साथ साथ पूरे समाज को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सलाह और सुझाव से हमको रास्ता मिला और उसकी असंतुष्टि जो व्यक्त हुआ था उसमें उसमें भी मुझे एक अभी आया आइडिया। हम बहुत अध्यक्ष विक्रम यादव जी उनके जितने भी धन्यवाद और सदभाव देता हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रण किया है और इस अभियान से मैं खुद भी जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा जो अभी जो आयु है वो कमला नदी के किनारे बीता है और हम लोग खुद कमला नदी के जितने अभी हम जितने डिस्टेंस में है उस डिस्टेंस में मेरा गाँव बसा हुआ है। मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी जो कर्म भूमि है वो झारखंड और बंगाल और दिल्ली में हुआ, तो बहुत कमला तो जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने यूट्यूब पर और बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे पढ़ा तो कमला बचाओ अभियान के तहत जो मैंने देखा और यहाँ पर भी कई लोगों को मैंने देखा, ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ से जो पत्थर जो जाते हैं यहाँ से वो हमारे यहाँ जाकर के बालू और मिट्टी बन जाता है और सच में कमला जीवनदायी नदी है। जब भी हमारे यहाँ बाढ़ आता है और ये जो नदी जा रही है सीधे ये मेरे घर के सामने ही ये जाकर के उसका विकराल रूप हो जाता है और मुझे बार बार मेरे फोन की घंटी बज रही है रात को, मेरे पापा और या मेरे गांव के लोग हैं वो फोन करेंगे कि भाई अभियंता को फोन कीजिए। सचमुच जिस तरह के हालात भारत या नेपाल में है कमला बचाओ को लेकर के जो लोग इस अभियान में जुड़े हैं मैं उनका बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज कमला में जिस तरह से बाढ़ आता है आप चले जाए नवंबर दिसंबर में जयनगर से पार चले जाए आपको पक्षियों के लिए भी उन पानी नहीं मिलता है, तो कमला का संरक्षण जो है वो बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हमारे डॉक्टर मनोहर मानव जी ने कहा है कि पर्यावरण को बचाना है तो हम सब शपथ लेंगे, तो हम सब यहाँ से सीख करके जा रहे हैं कि हम पूरा पर्यावरण को बचाएंगे और कमला अभियान को भी सफल बनाएंगे और कमला अभियान में अपनी भूमिका अदा करने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। आप लोग एकदम बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर जर्नलिस्ट शंकर यादव जी को। अब हम हमारा भारत से आए हुए गेस्ट धर्मेंद्र डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी को आमंत्रण करने चाहते हैं अपन संबोधन करने के लिए। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार आज
आज कमला के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं एक तो चित्रन जी खाना भी बंद करना था, जब कार्यक्रम खत्म होता था आप खाना करवाते या फिर इंटरव्यू करके खाना करवा दीजिए, उसके बाद फिर इनको बैठने का उसको लेंगे सुनिए, ये सब एक मर्यादित बात रहती। और जहाँ तक बोलने की बात है तो जो सारी बातें बोला जा चुका, कई लोगों का आक्रोश भी आया है, लेकिन मेरा मैं भी यह बात को सोचता हूँ कि अभियान ही पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। और हमको स्मरण है कि लाइब्रेरियों में कई अभियानी जो आज स्वर्गीय हो गए हैं उनका भी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं लिख के पढ़ के बंद है। लेकिन हम तमाम लोगों को यह एक कारण जरूर सोचना होगा कि कई वर्षों यह पांच तत्वों में ही हम सारा समाहित है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, या फिर हम भी जो है पांच तत्वों से ही समाहित है। आखिर यह पांच तत्वों के आपस में जो है सामंजस्य आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है? नदी दूषित होने जा रहा है, वातावरण दूषित होते जा रहा है, वृक्ष कटते जा रहे हैं, जंगल उजड़ते जा रहे हैं और पहाड़ जो है वीरान होते जा रहे हैं। अभी यहाँ के अभियानी सुरेश शर्मा जी ने पहाड़ के बारे में कहा, इस तरह से पूरे विश्व में जो भी पहाड़ है, जो भी जंगल है, वह उजड़ रहे हैं। इसका कारण खोजना हो और निवारण खोजना हो तभी, और उस निवारण के तहत हमको धरती पर तब जाके आने वाली पृथ्वी पर पाई, नहीं तो दो प्रकृति आनंद हमको बचपन में, आज हम वो आनंद नहीं ले रहे, आज वह स्वच्छ पानी हम नहीं पी रहे हैं, हम सने कुआं का पानी गरम गरम पी निकालते थे तो प्राकृतिक रूप से पी, वो पानी गर्मी में ठंडा मिलता और जाड़े में गर्म मिलता था, लेकिन आज क्या है, हम फ्रिज का पानी प्रकृति दो ही से आराम कर रहे हैं, ठंडा के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं, गर्म के लिए हीटर और गैस का उपयोग करते हैं, जो कि प्रकृति निःशुल्क हमको देने के लिए तैयार है। तो इन तमाम बातों पर हमको प्रकृति को समझना, प्रकृति के बीच में जाना होगा और प्रकृति से हमको एक एक चीज को समझना होगा खुद की बात को, तभी आने वाला नदी बच पाएगा, पहाड़ बच पाएगा, जल बच पाएगा, जंगल बच पाएगा और हम तमाम लोग जो पशु पक्षी जीव जंतु में सब बच। अब पूरे विश्व में जो है जंगल कट रहा है, विकास के नाम पर जबकि जंगल लगाया तो जंगल पशु पक्षियों के द्वारा लगाया है। जिस तरह हम अपना घर बनाते हैं उसी तरह पशु पक्षी अपने लिए घर बनाया और विकास के नाम पर हम जंगल काट करके उसका घर उजाड़ रहे हैं, कि कौन सा विकास है? समय कम है, बातें बहुत है, लेकिन हमको उसको अमर करने की जरूरत है। अंत में मैं आपको मैं एक पीपल इन कृषि अभियान के माध्यम से पूरे देश में ही चलाता हूँ और पिछले 1918 में हमें नेपाल में आए थे, आज 3 साल हो गया। पहला व्यक्ति जो है कि हमको कमल यादव या विक्रम यादव जी ने हमको वहाँ मिला और इनके माध्यम से आज नेपाल में मेरा आना जाना लगा रहता है, जिससे हमको लगता है कि भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं है, यहाँ भी घर है और ये अभियान को आज तीसरा वर्ष चल रहा है। उस तरह मैं एक पीपल कथा लिख रहा हूँ, उसी का एक पद्य पढ़ रही है, पढ़ के मैं अपनी बात को समाप्त। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ कि पीपल वृक्ष के प्रति आपकी उत्सुकता सामान्य जीवन से ऊपर पीपल वृक्ष के संबंध में जानने की आकांक्षा है, यह साबित करता है कि संसार में आज भी पीपल वृक्ष के प्रति सत्यता व्याप्त है। वह व्यक्ति स्वतंत्रताली है जो आज भी पीपल वृक्ष के प्रति सजग है, उसके सत्य के संबंध में जागरूक है। बहुत कम लोग पीपल वृक्षों के बारे में चर्चा करते हैं, चर्चा करना ही सौभाग्य है, इसको जानना उससे बड़ा सौभाग्य है। पीपल वृक्ष से संबंध न रखे तो हर्ज नहीं है, लेकिन पीपल वृक्ष को जानने का उत्सुकता नहीं हो वह बहुत बड़ा हर्ज होगा, क्योंकि पीपल वृक्ष एक अनमोल खजाना है। पीपल वृक्ष लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इसके विषय में जानना।
किसी तमन में जाकर जो आनंद मिलता है, प्रेरणा मिलता है, वह उतना ही स्मरणीय क्षण होता है। युगल बीज हमारे भीतर उपलब्ध है, उसका बीज हमारे भीतर है, वह अवश्य विकसित होगा। यह तभी विकसित होगा जब हम आप और इस वृक्ष के नीचे जाएंगे और एक बार आपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसे लिपट जाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि वह आपके भीतर प्रविष्ट हो गया, आपके अंदर कंपन महसूस होने लगेगा, आपके बीच अंकुरित होने लगेगा और आप में पीपल वृक्ष के प्रति एक सम्मान पैदा होगा जो आपके सत्य की प्राप्ति की प्यास बढ़ा देगा। पीपल वृक्ष के प्रति मानव चेतना में जब बात न पड़े तो जीवन दुर्भाग्य से भर जाता है। तो आइए मिलकर पीपल वृक्षों का संरक्षण करें, एक बार अपने अंदर दबे हुए आंदोलन को जगाए, देखें वह आप में एक ऊर्जा प्रवाहित कर देगा। पीपल वृक्ष ऊर्जा का स्रोत है, कुछ ऊर्जा का अनुभव करें, इसका चिंतन आप में है, इसलिए पीपल वृक्ष के निकट बढ़ा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं 1918 में आया था तो दो पीपल लेके आया, और जब मैं जब भी आता हूँ तो एक पीपल लेके नेपाल जरूर आता हूँ। आज उस पीपल का ही कमाल है कि मैं आप सबसे मिल रहा हूँ, इसलिए आप पीपल से प्रेम करिए, अस्तित्व से प्रेम करिए, पृथ्वी से प्रेम करिए। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय पीपल, जय हिंद, जय पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर। अब हम अंतिम वक्ता के रूप में कमला बचाओ अभियान को सलाहकार रवि रंजन प्रधान जीलाई आपको छोटो दुई मिनट भी आपको समर्थन कर दिन म हार्दिक अनुरोध करद डॉक्टर साहब। आदरणीय सभा के एवं विभिन्न पालन विभिन्न आई आई कमला अभियान के हम एक सलाहकार के रूप में सबके हम अपना डॉक्टर रवि रंजन प्रधान के तरफ से नमस्ते एंड अभिवादन लगे। अ अभियान जे बहुत ठाँस वास्तव में कहब बहुत बड़ा अभियान ई विश्वव्यापी रूप में जे अपना सबके छोट जगह से अत बच्चा के सोच आए थे ये देखे तो विश्वव्यापी रूप में स्वागत करे वाला सोच है। अभी अहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री विश्व के जे यूनाइटेड किंगडम में जे स्वामित्व छे इहे अभियान जे ग्लोबल वार्मिंग के अभियान चल रहा है, वातावरण स्वच्छता के अभियान चल रहा है, ये अभियान अभी जे देश सब विकसित भ गए है एक सबके आप आँख खुल रहा है कि वातावरण संरक्षण करना आवश्यक है। हम अभी परिसर विभिन्न अस्पताल विभिन्न समुदाय विभिन्न सरकारी अस्पताल में कोविड के बिरामी के उपचार के क्रम में विभिन्न बिरामी के उपचार के लिए विभिन्न बिरामी आके मरलो गए, लेकिन सेकेंड कोविड के सेकेंड कोविड वेव में हमारा ये फील भेल कि ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, आदमी ऑक्सीजन नहीं भग आदमी ऑक्सीजन के लागी मरे, आदमी पानी रहे पैसा रहे लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहे वही के कारण से मरे। ई ऑक्सीजन अहाँ के ये अभियान जो अपना सबके कमला बचाओ अभियान है रूप रूप वाला अभियान है वही अभियान से आगे वाला ऑक्सीजन वही दुआरे अभी चीज पर छोट ठाव से कमला बचाओ अभियान जो शुरू भेल वही के लागि हम विभिन्न पदाधिकारी विभिन्न समाजसेवी के धन्यवाद छोट कमला बचाओ रह गए। कतौ भी शुरुआत कोनो चीज के हो जाए तो निगेटिव चीज से शुरुआत हो जाए, कतौ भी शुरुआत कोनो चीज के हो जाए तो निगेटिव चीज से शुरुआत हो जाए। वो सबके अभियान के सफल में होब देवे लागि विभिन्न निगेटिव बात सब अब लेकिन अरे जनप्रतिनिधि जे अहिमे कमला कमला वही पर जनप्रतिनिधि सब जनप्रतिनिधि सबके बात अपने सबके सुनब पड़ते हम अके प्रमुख सलाहकार भेला के कारण से जनप्रतिनिधि के आज के आवाज जो सुन लिये वो आवाज सुन के हमारा बहुत खुश लगा। अपना सब ई बचाओ अभियान के
के एगो जनप्रतिनिधि छे लेकिन उ सब के ग्रामीण स्तर में जे जनप्रतिनिधि सब है उ सब के कमला के भोगाई जे रहा है उ भोगाई से हो अपने सब के ध्यान आकर्षण करब के हिसाब से है ओ द्वारे ओकरा सब के जे समस्या सब आए रहले कमला के उत्खनन कमला के जे रिव्यूज कर रहल छै ई पर आबि रहल छै राइट कराइ ये सब मिट्टी बालू जे अनैतिक उत्ता असंवैधानिक तरफ से जे लऽ जा रहल छै ओहि के गोप के हिसाब से सेहो एहि कमला अभियान के जे अध्यक्ष महोदय छै हुनका से अनुरोध करबै आ समस्त मे सबके कार में कार राखि कऽ सबके एक हाथ जोड़ि कऽ एहि जे लोकल लेवल के आदमी सब छै जनप्रतिनिधि सब छै से आ कमला बचाओ अभियान के जते जनप्रतिनिधि सब छै ओ एक एक हिसाब से कार में कार कर राखि कऽ सब छै केकरो हिम्मत नहि होतै कि ये आबि कऽ जे उत्खनन करै आ कमला के अस्वच्छ बनबै ई स्वच्छ कमला जे अहाँ के जे कमला के जल छै मरबो करै तऽ कमला के जल चाही जीवितो स्तर में चाही आ कोनो भी फूल के स्तर में सेहो कमला के जल चाही कते कहै जय कमला कहै तऽ अपन तू सब के ये सब समाज कर धन्यवाद जो सर आप अपना सब कार्यक्रम के अंत में थी सब बना के सब संपूर्ण सभा के अतिथि सबके सभा में आई लोगों के अनुरोध करे छी आई के वरिष्ठ अतिथि हमर सबके शहर नगरपालिका के नगर प्रमुख आदरणीय उदय बरवैया यादव जी के संबोधन रहत है सब बना के भीतर में आई लोगों के अनुरोध करती साथी सब बाहर रह सबके संपूर्ण साथी सब भीतर आई तो हमरा सबके अंतिम वक्ता के रूप में वरिष्ठ अतिथि नगर प्रमुख उदय बरवैया यादव जी के अपने संबोधन करते हुए हम खातिर अनुरोध करे छी जगर बाद हम सब सम्मान कार्यक्रम सब आ कार्यक्रम सकाय सब ना भीतर आइतु आइतु चलु कर जी साथी सब बाहर के साथी सब ना भीतर आइतु मेयर साहब कनी अपन बात लगाय सब साली बजा के सम्मान करी ठीक छै धन्यवाद मेयर साहब अपना सबके साथ देवल तैयारी भेलौ सांस्कृतिक बोली के रमेश जी कतौ छी सांस्कृतिक बोली के बोलौ एकटा नृत्य होबे के बात भेलै नृत्य भेला के बाद अपने से संबोधन करथिन साथी सब सामने भीतर आने का प्रयास करो हम सब एकटा नृत्य अभी देखब तकर बाद जे है हमरा सब के मेयर साहब उदय बरवैया यादव जी के संबोधन रहत आ ओकर बाद हम सब सम्मान कार्यक्रम कर के समाप्त करब कार्यक्रम तो संस्कृति टोली के साथी सब आइब आइब सकल छै हुनका सब सो ताली बजा दे दउ तब वार बहुत ताली बजा के हुनका सब स्वागत कर दउ Thank you.
तेसर वार्षिक उत्सव में पुनः गागारी बढ़ गए
सहमति जनाबे आप अपने सबके मन में लाओ जिज्ञासा तो होते निश्चय ही कार्यक्रम के संचालन के बाद में कमला बताओ अभियान के संपूर्ण टीम सब अपने सबके की समझावा भी सामने है या हम सब समझावा भी सामने थी कि अपने सब समझ नहीं रहा थी दूसरा प्रश्न जो पैदा हुई एक कार्यक्रम के शुरू में विगत के वर्ष सबके लेखा जोखा कमला बताओ के टीम सचिव यादव या उनका टीम सब विगत के दिन में हम विगत के दो वर्ष दूसरा वार्षिक उत्सव में ये कार्यक्रम से पहले ई कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के लगे बाद हमारे सब ये नहीं समस्या सब फेस करो पर और उस समस्या पुनः कर्म वहाँ के समाधान के लिए और आगामी दिन में कितना कह रहे हम सब लोग है से प्रस्तुत करने जरूरी चलेगा और वही पर दिन लगे टीम तो चलेगा अपन राय विचार सब की गई तो नहीं कहेंगे तथापि कमला मतलब अभियान बहुत बड़ा अब यही लोग इन सब के जानकारी है अभिता के विगत के दिन बस एवानेस रेड कलम में विभिन्न जन समुदाय सब के जानकारी करा हमने और धन्यवाद दिया प्रति यहाँ के विक्रम जी लगा उनका टीम के जो चार आदमी के पांच आदमी के एक टीम बनाकर सुखाब चल गई और पांच आदमी के पास कमला बताओ अभियान की है उस पोर्टल में जाकर बस्ती बस्ती में जाकर धमसा जिला के 500 पालिका और सिहा जिला के 300 पालिका कमला के 600 के पालिका से जाकर उठा मिले और वासी सब के जानकारी कराकर कि अभियान यह अभियान है हम तो वही मेहनत लगा के पैरों सी हम सब राय विचार ही है और हम तो मेहनत का कार्यक्रम कर रहा था सी हम तो आगामी दिन मेहनत का कार्यक्रम कर एवं न्यूज फैल के वही लागी अपने समस्त लोगों के उनका सबको धन्यवाद दिया पड़ते और हम वही मन से विक्रम जी के संगठन में कमला बताओ अभियान में टीम है उनका सबके नगर पालिका संपूर्ण जनप्रतिनिधि लोग साथी लोग के तरफ से उनका सब हार्दिक धन्यवाद अर्पण करते हैं संसद में उनका अभी धन्यवाद के आगे चुनौती के रूप में से लिया पड़ते चुनौती हमने कोई भी काम आगे बढ़ावा के लगी सबसे पहले सकारात्मक बात सब के आगे फिर से आगे बढ़ावा पड़ गई और कोई नकारात्मक बात सब गई और नकारात्मक रूप में लिया पड़ लेगा आगे एक सही पिता सौ पिता कतो हम चुक गए की कतो हम कमी कमजोरी भाग ली की कोई पिता सके टिकट करता तो आगामी दिन में कायम नहीं रहना है कमला बताओ अभियान के दायित्व बने से या पड़ते से हमारा विश्वास है और नहीं करते तो हम सब अतः हमारा ये प्रश्न थी संपूर्ण अभियान के लिए सब कहा पड़ता है प्रश्न कहा पड़ता है कि विगत के द्वितीय वार्षिक उत्सव में हमने सब की क्या भावना रखने रही है आगामी दिन में आप कैसा वार्षिक उत्सव में चौकों पर अपने प्रवेश के लिए आगामी दिन में आगे कार्ययोजना सब की है केंद्र केंद्र कार्ययोजना है कोनो कई कारण ने हाथ लागू करबे आ लागू करबे तो कोना पर से पहले लागू करबे से बात के जानकारी के नहीं कमला बताओ अभियान में संयोजक के दायित्व है और सारे कार्यक्रम के समापन में अपन संपूर्ण विचारों का राखा पड़ते और जब बात सब होगी निश्चय ने बात सब होते छोटा का परिवार संतान कर है ना कहीं का हमें खपत हो है आगे बात बेसी हुई लगी इधर अभियान है अभियान में अनेक अनेक पत्र सरकार होते आवाज लगते पत्रियां लगते लेकिन वही में बिंदु घबराए के नहीं है वही पुहन आरोप प्रत्यास पर जी है कमला बताओ कि अभियान नहीं है कि नारा की नहीं है कमला बताओ भूमि मंदिर होने वाला जगाओ सब मिली चूरे जगाओ से नारा के आत्मसाचा का सब जगह को हटा दे ये है यहाँ के तीसर वार्षिक उत्सव में यहाँ के अहम यहाँ के भूमिका है या अहम प्रश्न है या प्रश्न थोड़ा संपूर्ण अगर एक से लोग एक जमना में काम लग जब तो प्रश्न के यहाँ के दिमाग में गुंदा पड़े कि हम तो आप की करो संपूर्ण अभियान का वे नई प्रश्न दिमाग में आकर बोल रहे कि आप चौथो अगर चौथो यहाँ के पास इस वर्ष भाई वही प्रश्न के जवाब हमारा सके दिए पड़ते तब मात्र यहाँ के अभियान सार्थक रहते और विगत के दिन तक यह तो है पहले वार्षिक उत्सव के या पहले के दिन से कार्यक्रम शुरुआत हो गए तो वही दिन से हमारे कहते जनप्रतिनिधि के रूप में जनप्रतिनिधि साथी सब के लिंकेज करके अभियान जो है समय समय से हम तो कहना कोई अति मिलने चाहिए मतलब लेकिन हम सब आगे सहयोगी हम सब अभियान लिए
काम का लगी यहाँ के पौधे नहीं चाहिए अधक सब इनको अधक नहीं चाहिए एक अभियान के रूप में जागा एक अभियान के सब सहज अभियान के रूप में लगा ये अभियान यहाँ के जनता के हित में है श्रमिक के हित में है वातावरण के हित में है तो सब जगह में साफ सफाई कर ले वही के लगी यहाँ के बहुत जमीन रहे कई लोग आपका घर खराब कर ले लेकिन आप हम सब शासक हमरो आइला के बाद में हमर जिज्ञासा सब अपनो सब के जिज्ञासा चले होए हमर इच्छा सब जा कि पहिने ई कमला बताओ अभियान के बारे में कुछ बात सब राखी रखला के बाद सभे बजे फोन में उपस्थित अभियानी लगन छे हुनका सब से एगो राय विचार हम सब विगत के द्वीप में जो कार्यक्रम सब के लिए कमला बचाओ अभियान अवेयरनेस के लिए विभिन्न कार्यक्रम बस्ती समुदाय कार्यक्रम के लिए विभिन्न निकाय सदन हम सब समय में बैठक के लिए और बैठक के निष्कर्ष जानकारी करेंगे प्रत्येक भाव में अपने सब सहभागी लोग इन सब अभियान लोग इन सब के विगत के काम काज के बारे में जानकारी करके अपने सब कहिए ऐसा हमारे सभी कमी कमजोरी है ऐसा वहाँ का ऐसा सुधार कर ले और इस सुधार के यहाँ के एगो मेंढर में कमला बचाओ अभियान एगो मेंढर में बजा कर आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही यहाँ की अभियान सफल होते और अभी तक भी कहाँ आएंगे दावी के साथ कही थी कमला बचाओ अभियान के टीम सब है वो टीम सब है के निश्चय यहाँ पर काम का फिर का ये काम करे इतना एवामेस प्रोग्राम एवामेस क्रेप काम में आके अहम भूमिका निर्वाह करने है और यहाँ के आई हम सब प्रस्तुत पहला सीधा आई यहाँ के तेजस वासन का हम तो पहला और प्रस्तुत सीधा तो इलाके कमला बताओ अभियान इस संपूर्ण टीम कमला बताओ अभियान केना के कार्यक्रम तिल के विगत के दीपक हम सब आई के ला उपस्थित छे ला से बुझना जरूरी है हम सब उपस्थित छे ला अपने समस्त अभियान जब उपस्थित छे कतौ ने कतौ अपने सब जानकारी है कि कमला बताओ अभियान की चीज है कमला बताओ अभियान केहन अभियान है और वही अभियान के विशिष्ट जानकारी लिए बोलागी अपने सब उपस्थित छे हमारे सब चिरंजीवी विगत से रखला के बाद डिपोर्टेशन खाली यहाँ के ग्राफ विषय करने में करे है डिपोर्टेशन कहीं नहीं हुए हमारा यहाँ के एक ता ग्राफ काट हुए एक ता ग्राफ लगाना ही जरूरी है और एक ता ग्राफ लगा का अब उस संरक्षण के ना एक ता ग्राफ कटा पर पांच ग्राफ लगाना ही जरूरी है लेकिन वो ग्राफ यहाँ के लगा दे लिए अपने संरक्षण के लिए संरक्षण चल रहा दिमाग कमला बचाओ अभियान के नहीं कमला बचाओ अभियान के का मैंने तक का एक बार है कि संपूर्ण जन समुदाय के अभियान के बारे में जानकारी कहाँ पर दे यही कला सेना हो दे कला सेना हो दे और वाले स्टेट का आप बोले और विगत के दिन सब में हैं कमला बचाओ अभियान के संपूर्ण टीम के वाले स्टेट का अपने सबके जागरूक मिल गया और जागरूक भेदा के बाद अपने सभी कार्यक्रम उपस्थित थे निश्चय नहीं सीरियस है आप सब यह हमरा विचार सब ना सबसे पहले प्रोड उपयन का यहाँ सब के बात भी और बात करा के बाद विभिन्न देश में बैठल अतिथि गण सब चले या उस सब जवाब दीते लेकिन होगा आगामी दिन में विगत के दिन सब में हमने नेतृत्व में विक्रम जी के अगुवाई में हम सब आएंगे दुटा पालिका या आठ गो पालिका और दुटा जिला चिरा और धमसा जिला के सीबीआईएसपी संपूर्ण सुरक्षा निकाय के बैठाकर संबंधित सरकार वाला के बैठाकर अंतर क्रिया कर चुका है वही अंतर क्रिया के निष्कर्ष है कि कमला बचाओ अभियान के ये साथी सब लागल है इस बात से अब निश्चय नहीं आगे परिवर्तन को अगर छोड़ते निश्चय नहीं आगे अब सुता लिंग का सबके दगा कर छोड़ते और यहाँ के विगत के रोज पर पांच सात दिन आठ दिन दस दिन शुरू कर कार्यक्रम कमला बचाओ अभियान कार्यक्रम ये सब वार्षिक उत्सव में आगे का राष्ट्रीय अभियान के रूप में लगा हुआ और ये अभियान आगे राष्ट्रीय अभियान के रूप में जाते हमारे सके
संघ सरकार के राज्य मंत्री सर विगत के वर्ष में फंसे वार्षिक उत्सव में प्रदेश के यहाँ के प्रमुख तत्कालीन प्रमुख है तिलक प्रसाद जी के हम सब कहने रहिए अगर प्रदेश के मंत्री सब कह रहे हैं तू सब आत्मघात करके वतन बंद भले कि हम सब एक प्रदेश के भर में लग जाए और यहाँ के प्रदेश प्रमुख तो मेरा हम सब आगे राष्ट्रीय अभियान के रूप में रूपांतरण का लागू कर सब अवधारणा में लग जाए तब से पहले संपूर्ण पालिका सब में थोड़ा सबसे प्रश्न रखा के एकदम स्वाभाविक बात है उनका हम नकार कर नहीं रहे थे लेकिन सबसे पहले कभी उठा पड़ता है कि अभियान हम अपना पालिका के धंधा से कब लेने के लिए बने नहीं कमला बताओ अभियान कौन अभियान है कौन एजेंडा का कार्यक्रम पड़ा है वो हमारे यहाँ के वार्ड में वार्ड के संसद में नगर पालिका में मैंने यहाँ के स्थानीय सरकार संसद ने नमूना से बहुत कब किया है बहुत के एजेंडा में किताब यहाँ के लोग ढहेंगे हैं भाषण जला से नहीं होते भाषण और काम दोनों करना जरूरी है हम सब का किताब के साथ पहले वर्ष में हम सब आगे शहीद नगर नगर रुपया के महीने में कमला बताओ अभियान के नारा आत्मसात कर शहीद नगर नगर रुपया के जब नगर सभा कर लिए वही के तुझे लिए तू नगर परिया के नीति में लिए तय द्वारे आप अपन पत्नी से बेसी हमारा माया रहिया मोन आई कुल कार्यक्रम तो आई हमारा तिला में कार्यक्रम सब लेते हैं पूर्ण कार्यक्रम उठाए काम में लगती है बच्चा क्या तुम बता हम आप मकाब कर रहे थे हम संपूर्ण सही नरवासी थे कहीं संकाय का आप तो चपना मैंने हम साथ से नगर पर नगर सरकार के एजेंडा में रखते रहिए वही एजेंडा का लाभ बनाए नगर सरकार के प्रमुख दायित्व है वो दायित्व हम निभा रहे हैं वो दायित्व निभाना है संपूर्ण धनबल के साथी लोग के लिए जो निभा पड़ते हम से कह रहा मेयर कहीं मीना जी के हमसे आग्रह करना चाहते आवा वाला दिन में गणेश मानसानाथ के नगर सभा में जो ये कमला बताओ अभियान की का नारा गुंजे और का आत्म साफ करे कहना चाहे के एरा थोड़ा उदाहरण का काम कहे जी सब दिन हम सब कहे जी शिक्षक उदाहरण का कहे जी यहाँ के संघ सरकार ही कदर के फलना मी कदर के चिना मी कदर के अभी तक के हमारे सरकार सीधा भाई सब ने मदरसी पढ़ाई दी हुई हमें कहना का मदरसे के यहाँ के अमिता मोगी का मरे मंत्री के यहाँ के विवाह चल रहा है अनुमत धनगन्ना भाव के विषय में यहाँ के बुले करो तो किसे भाव है क्या नहीं भाव है सबसे पहले अपने यहाँ के क्या कर पड़ रहे अपना पति का सब में क्या ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण कर पड़ रहा है ऐसा ये पाठ्यक्रम निर्माण के लाके बाद उस साल अपना व्यक्ति तब ने हम लगा थोड़ा हम सब मंत्री भाषा में किताब पढ़े गए या थोड़ा बड़ा हमने अपने अध्यापन करे गए छह चीजें लगाना जरूरी है लेकिन हम सब सही नगर नगर पालिका यही रुकने हैं कि अपने का निदेशक बनाकर निदेशिका बनाकर असमय पाठ्यक्रम बनाकर और सबसे पहले पाठ्यक्रम में सही नगर नगर पालिका में सही नगर जितना भी सही सब है पंचायत काम में हो घना काम में हो गंतव्य काम में हो धनी काम में हो जितने सही सब उनका सबके सही सब एरो का जीवनी बनाकर अपन अपन जानकारी कराकर विभिन्न निकाय से पत्रकार कराकर
सहयोग मांग का और सहयोग मांग का ढवा सहयोग मांग का नहीं कमला बताओ अभियान के वार्षिक उत्सव हम सब का दारा थी कोना का गाड़ी पर है हम सब चाह रहा थी यहाँ के पोषक वक्त सत्य का आटा मास में उनके कार्यक्रम नहीं करोगे देखो फैक्ट्री का कोठा में कार्यक्रम करो भैया पहले आते हैं हम ये प्रशिक्षित करोगे है तो ये प्रशिक्षित आदमी सब जाकर आते हैं हमने गुजरा के बाद ये जाते युवा साथी सब है विभिन्न जन समुदाय से रहते हैं हमने गुजरा के बाद ये मास बजा कर उठावे तब सफल होते क्या तो विगत के दो वर्ष से हम देखा था कि न कहीं से पहले वार्षिक उत्सव में एकदम भयंकर कार्यक्रम है जिला विभिन्न प्रदेश प्रमुख आयल है मंत्री सब प्रदेश के मंत्री सब आयल है लेकिन हाथ लाग लेगा थी 5% का नारा आई बन गई जते काम अहां कमला बताओ अभियान के टीम में रहे कहीं पर सीमित भग गई फिर अहां के वजह से हम सब बैठा बैठा नहीं समस्या बजा रहे हैं हम अहां के दया करते तो फिर से कमला बताओ अभियान तिरम जी के अगुवा में जते अभियान सब रहे अभियान सब के बैठ कर एकरा दोसर लक्ष्य ले लिए कि प्रत्येक अहां के ठाउँ में पहले सबसे पहले पालिका परिक्रम कार्यक्रम करे पड़े और वही पालिका के अध्यक्ष के आमंत्रण कर पड़े और आज कई बात जानकारी करा पड़े अतः कहला के बाद बहुत सारा पालिका के मेयर सब अलग जन प्रमुख सब अलग अयला के बाद अपन अपन बात पूछा रखल गए रखला के बाद अपने सब देख लिया बाप रही बड़का बड़का केना नहीं बने कमला केना नहीं कमला टूटले केना के आदमी सब नहीं बुझे है ये बात अहाँ के देख हम अहाँ के मेयर सब नहीं आए जा कहे तो मेयर बड़का बड़का भाषण करते कहाँ पड़ते केना था बड़का बड़का भाषण करते इन्हें भेले उन्हें भेले हम आता टूट गया आता टूट गया लेकिन जब नीतिगत बात सब होते हैं एक ठाव में रहकर वाला बात सब होते हैं तो ये आईवे नहीं करी कार्यक्रम में और आप कभी कब यहाँ ना सब के हमने फोन करी थी मेरे साथ सबके यहाँ सब आओ अपन बात विचार रखूं क्या बताइए यहाँ के संस्थागत कार्यक्रम कमला बताओ मेरे का संस्थागत कार्यक्रम का इंजीनियर का कार्यक्रम नहीं है ये हमारा यहाँ के जगह वाला टीम है और हमारा यहाँ जगह का सब संस्थान का वाला टीम है हम सब जाए तो इन जगह ताकि तले प्रदेश सरकार से किया संसद कर संघ सरकार से किया संसद कर कोनो भी काम कर लगी नीति का काम लगाई बड़ा पड़े वही के लगी नीति और नियत दूर साफ लग साफ करो पड़े नीति ठीक है हम नेता खराब है हम नीति ठीक है तो हम आगे कहे रंग का बदल लिया भाषण कर चल जावे तो हम नीति नियत खराब रहते तो ही बात ना के छोड़ मिला कर रखोगे नहीं करोगे अपना सर में रखोगे नहीं करोगे तो बातें खत्म हो गई है जब भी साथी लोग उपस्थित थी एक कार्यक्रम में जितने भी साथी लोग सहाय चलिए अतिथि लगाए प्रमुख अतिथि लगाए जितने साथी लोग उपस्थित थी सबके नीति और नियत रूप से आपका गाड़ी बनाए जरूरी है अभिंदा के परिवेश में यही बात हम बिना कह रहे थे विगत के हम अहाँ के दुईटा वार्षिक उत्सव के बड़का बड़का भाषण सुनलिए और भाषण भाषण में सीमित रह गए कोई चल गए तो शहीद नगर अखिल के मेरा कमला नगर पालिका चल रही है आई वाली यहाँ के गणेश माता मंदिर प्रियता एकदम पूर्ण रूप में अभियान के अपने तो कर गया नगर उप प्रमुख के संयोजक में धन्यवाद नगर उप प्रमुख जी के संग संगे टीम के आरोप टीम के आरोप 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 पड़े कि हम सब कोनो भी काम है जब पक्ष पिता सोए स्वामी के कोनो भी हम सब काम करे जब पक्ष पिता सोते हम सब सही नगर नगर पर गए पूर्ण अनुभव में थे लेकिन तो हम नहीं हटा रहे थे ना सबके राय विचार सुनो सब गए काम सब बात नहीं लाभ होती क्योंकि तीन बात लाभ होता है तीन लाभ होता है शुरू करके अब दूसरा बजट बोलते तब उठाओ लाओ करो कहीं अपने एजेंडा लेकर हम अपने एजेंडा लागू करते हैं और एजेंडा हमारे एजेंडा एक बार की पास नहीं है हम बैक कर देंगे उनका कहीं नहीं होंगे अपन अभियान कहीं सफल नहीं है कई बार है मुख्य तो कमला बताओ अभियान कि आगामी रणनीति सब है निश्चय नहीं विक्रम जी कहते कर दक्षिण कहते कर हम आपदा का अवस्था में देखा लिया तेसर वार्षिक उत्सव तो लेगा हम उस समय संगे छे और हम अब लोग के बात हम से कह छी आ वहां के कमला बताओ अभियान के आओ कमला बताओ अभियान के एक नया तरीका से नया पैसा दिया पड़ते और कोनो धारणा दिया पड़ते अभियानी लग अभियानी विक्रम जी के सहयोगों के अभियान लोग उनका सबके हार्दिक अपील करता हुए आ गए अभियान के धेरे पालिका सब में युवा संसार सब गठन भेल है धेरे पालिका सब में क्लब सब है धेरे वाड़ा सब में क्लब सब है तो क्लब के युवा सब संगे जोड़ कर ई कार्यक्रम में लगने आ जरूरी है और आगामी दिन में आप कता जब शुरू कर बजे नहीं कता कहे विक्रम जी के हम आग्रह करें कि हमें सब पता है खुद से नहीं पता आप कहीं नगर नगर पालिका में सब कमला नगर पालिका है घर हमें
इलाका ऊपर मुख हेबे करे गणेश माता नगरपालिका में हम तो तीन आदमी का लागे दंपति लगा तीन आदमी प्रमुख व्यक्ति तो उपस्थित थी हम तीन आदमी शुरू करे छे सब दोस्त आदमी जे दोस्त कोनो तरीका में सब आगे का युवा संघात सब जुड़ जते तब निश्चय ने कुछ परिवर्तन होते और देश परिवर्तन का लागे युवा शक्ति चाहिए विकास परिवर्तन का लागे युवा शक्ति चाहिए और युवा शक्ति देश के सर्वशक्तिमान शक्ति होए तेई द्वारा आई अभियान के आगे युवा सब को जोड़ कर युवा सब के विचार बुझा कर और युवा सब के संगे अभियान में बदलना जरूरी है और ये बेला के बाद निश्चय ने कुछ